और वहीं यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर के पार पहुंच चुका है। आज सुबह 5 बजे यमुना का जलस्तर 207.08 मीटर दर्ज किया गया था, जबकि साल 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। उधर दिल्ली में बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जो कि अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इन सब के बीच नदी किनारे रहने वाले एक परिवार फंस गया है। पुलिस और प्रशासन ने उस परिवार को वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा, हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से बढ़ा, और इन सब के बीच दिल्ली में एक परिवार फंस गया जो कि यमुना किनारे ही रहता था। हालांकि बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके बोट की सहायता से परिवार के लोगों को बाहर निकाला गया। लेकिन आपको बताएं कि यमुना का जलस्तर इस वक्त भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। इसके पहले जो यमुना का जलस्तर था वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था 207.49 मीटर, जो कि 1978 में था। अब उसके बाद 207.08 मीटर अभी फिलहाल आज सुबह 5 बजे यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि खतरे के निशान के ऊपर है। हालांकि ज्यादातर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है जो कि यमुना किनारे रहते थे। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि दिल्ली में पुराने लोहे के पुल को बंद करना पड़ा और वहां से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया क्योंकि यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगा, जिसकी दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक रोज पहले हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी ने 205.33 मीटर वाले खतरे के निशान को पार कर लिया, जिसके बाद एहतियातन पुराने लोहे के रेलवे पुल को बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। यमुना नदी के पास कुछ जगहों पर लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। काफी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुताबिक हथनी कुंड बैराज से 4 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना नदी का जलस्तर अभी और बढ़ सकता है। दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश और हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई, जिसकी वजह से यमुना नदी के पास बसे इलाकों में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि यमुना नदी के पास बसे यमुना बाजार में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। निचले इलाकों में बसे घरों के अंदर तक पानी भर गया, जिसके बाद लोग अपने घर की छतों पर शरण लेते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग नाव में रहने के लिए मजबूर हो गए। जैसे ही बारिश ज्यादा होती है उसके बाद पानी छोड़ दिया जाता है दिल्ली की तरफ और दिल्ली में मुसीबत बढ़ जाती है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भारी बारिश के बाद हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद यमुना नदी उफान पर आ गई और दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने लगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसे देखते हुए मथुरा में पुलिस ने लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील की है। उधर नगर निगम की टीम को अलर्ट पर रखा गया है, जिससे कहीं भी जलभराव की सूचना मिलते ही लोगों की मदद की जा सके। ये बड़ी खबर और तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, लोगों की मुश्किलें भी इसी के साथ बढ़ गई हैं और लोगों से ये अपील की जा रही है कि नदी के किनारे ना जाएं। इसके अलावा नगर निगम की टीम भी अलर्ट पर है। बारिश के कारण जो नदी का जल स्तर है वो बढ़ रहा है, इसको दृष्टिगत लोकल थानों को, सभी नदी के किनारे के जो थाने हैं उनको सूचित कर दिया गया है, इस क्षेत्र में अपनी निगरानी बढ़ा के रखेंगे और इस पर सतर्क दृष्टि रखेंगे एंड तदनुरूप तहसील से अन्य एजेंसियों से भी लगातार कोऑर्डिनेट करके सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में अगर कहीं भी वैसे जगह जहाँ जल भराव के चांसेस बढ़ते हैं तो वहां से सकुशल इवैक्यूएशन किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ से हाईवे पर मलबा गिरने की घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें नेशनल हाईवे 5 पर रामनी के पास पहाड़ का हिस्सा भरभराकर नीचे आता दिखा। ऐसा लगा मानो वहां किसी ने बम विस्फोट कर दिया हो। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और कई टन मिट्टी देखते ही देखते सड़क पर आ गई, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। 15 सेकंड में खौफ पैदा करने वाले इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ की तबाही का ट्रेलर दिखा। नेशनल हाईवे 5 के बंद हो जाने की वजह से कई यात्री दोनों तरफ फंस गए। हालांकि बाद में राज्य आपदा प्रबंधन की टीम को मलबा हटाने के लिए भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की ऐसी ही खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें आ चुकी है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंचवक्त्र शिव मंदिर पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा।